डुमरी के ईसरी बाजार में आज सुबह पार्टी के द्वारा संकल्प दिवस मनाया गया। इस दौरान गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के लोगों ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार में झारखंड में लूट मचा है, अधिकारी किसी को नहीं सुनते हैं, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी अधिकारियों से पैसे ले रही है। साथ ही गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर सरकार पर अवैध पैसे की उगाही करने का भी आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आम लोगों को भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहे हैं, राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लागू नहीं होने दे रही है, जिसके कारण लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को लोगों से उखाड़ फेंकने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा और स्वर्गीय विनोद बिहारी माता।